प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष केंद्र सरकार द्वारा 6000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किश्तों में मुहैया करवाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल पालमपुर में भी 2 हेक्टेयर से कम खेती योग्य जमीन वाले किसानों को प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। पालमपुर के आरठ गांव के लाभान्वित किसानों का कहना है कि बैंक खातों में प्राप्त होने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को वे बीज, खाद और कृषि औजारों को खरीदने के लिए उपयोग करते हैं। 6000 रुपया सालाना मुझे आता है, वो जो पैसा मैं औजार और बीज के लिए लगाता हूँ। ये जो स्कीम है सरकार ने किसानी के लिए बहुत अच्छी चलाई है। जो किसान निधि योजना का 6000 रुपया साल का मिलता है, उसको मैं खाद, बीज और औजार के लिए यूज करता हूँ। ये जो सरकार ने किसानों के लिए स्कीम चलाई है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये जो किसान निधि के जो पैसे आते हैं, इनका मैं बीज वगैरह खरीदता हूँ, खाद भी लेते हैं और ये अच्छी स्कीम चली हुई है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के हितों में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई बेहतरीन योजना है। उनका मानना है कि इस योजना को भविष्य में भी जारी रखने की जरूरत है, जिससे छोटे किसानों की आर्थिक मदद होती रहे। जो किसान निधि द्वारा 6000 रुपये मिलता है, वो बहुत अच्छी योजना है। उससे हम औजार वगैरह और खाद और बीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे घर वाले के खाते में 6000 रुपया साल का आता है, उससे हम बीज, खाद, बाकी वो बहुत सारे काम करते हैं खेती के, तो सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके माध्यम से देश के करोड़ों अन्नदाताओं को सम्मान के रूप में ये राशि प्रदान की जा रही है। डीडी न्यूज़ के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट।